नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। राजधानी लखनऊ के मानक नगर थाना क्षेत्र में कानून की धज्जियां उड़ाते हुए लूट एवं गुंडागर्दी का एक्सपर एक ऐसा मामला वायरल हो रहा है जो लखनऊ के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए काफी है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। दरअसल ये मामला विगत 6 जून 2024 को शाम तकरीबन 4-5 बजे के बीच का बताया जा रहा है, जब मानक नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत समर विहार कॉलोनी के मकान नंबर 10A में दहशत गर्दों ने दहशत का तांडव किया जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। आपको बता दें कि दहशत गर्दी के इस घटना का सीसीटीवी फुटेज व पीड़िता की तहरीर एक्स पर खूब वायरल हो रही है, जो लखनऊ पुलिस की वजीहत करने के लिए काफी है। वायरल सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह नकाबपोश महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा उत्पात मचाते हुए तोड़फोड़ एवं लूटपाट की जा रही है। में वीडियो में ये भी दिखाई दे रहा है किस तरह मौके पर पहुंची पुलिस दहशतगर्दों के सामने नतमस्तक रही। मजे की बात तो ये है कि इस मामले में साक्ष्यों के साथ पीड़ित पक्ष की तहरीर के बावजूद भी आज तक मकान में तोड़फोड़ एवं लूटपाट करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा ने इस घटना के संबंध में पड़ताल की तो ज्ञात हुआ कि इस मकान को लेकर मकान मालिक राकेश चंद्रा एवं किराएदार अंकित मिश्रा के बीच न्यायालय में वाद विवाद चल रहा है। मकान का किराया अंकित मिश्रा कोर्ट में जमा कर रहे हैं। मकान के विवाद को लेकर राकेश चंद्रा ने अपने परिवारजनों एवं सहयोगियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया था। घटना के समय किराएदार अंकित मिश्रा की पत्नी शशिकला मिश्रा अपने 8 माह के बच्चे के साथ घर में अकेली थी। मजे की बात तो यह है कि मामला एक्स पर पोस्ट होने के बाद लखनऊ पुलिस ने घटित घटना को छुपाकर सीसीटीवी फुटेज वीडियो को नजरअंदाज करते हुए अपनी सफाई में गोलमोल ढंग से पोस्ट किया है कि थाना मानक नगर द्वारा दोनों पक्षों से प्रकरण के संबंध में प्रस्तुत अभिलेखों की जांच की गई। उभय पक्षों में व्याप्त तनाव के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु तत्समय निरोधात्मक कार्यवाही की गई थी। उक्त संबंध में माननीय न्यायालय में वाद विचाराधीन है, सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। सवाल ये नहीं है कि दोनों पक्षों में मकान को लेकर न्यायालय में वाद चल रहा है, सवाल ये है कि आखिर एक पक्ष द्वारा जिस तरह कानून को हाथों में लेते हुए दहशत का माहौल उत्पन्न करने पर मकान के भीतर जबरदस्ती घुसकर तोड़फोड़ एवं लूटपाट की गई, इस पर पीड़ित पक्ष की तहरीर व साक्ष्य के आधार पर मानक नगर पुलिस ने कार्यवाही क्यों नहीं की। मानक नगर थाना क्षेत्र के यही समर विहार कॉलोनी है और यही मकान है, आप मकान देख लीजिए। अंकित मिश्रा जी यहाँ पर रहते हैं और जहाँ विगत 6 जून को शाम लगभग तकरीबन 4-5 के बीच में दहशतगर्दों ने दहशत का खेल खेला था, गुंडई की थी, तोड़फोड़ किया था और पीड़ित परिवार को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। हम अंकित मिश्रा जी से हम बात करना चाहेंगे, फिर उसके पहले हम कुछ तस्वीर अंदर की दिखाना चाहेंगे। अपने सहयोगी से कहेंगे अंदर आए और इस रास्ते इस गेट को तोड़कर इस गेट के ऊपर से फाँदकर लगभग आधा एक दर्जन के आसपास नकाबपोश महिलाएं और पुरुष भी उसमें शामिल थे, जो लोग इस घर के बाउंड्री में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद ये दरवाज़ा आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, आप गौर से देखिएगा, ये शीशा लगा हुआ है इस दरवाजे पे शीशा लगा हुआ है और ये शीशा एक कांच जो है उन लोगों ने इसको तोड़ दिया था और इसी को तोड़ने के बाद ये लोग अंदर घर के अंदर प्रवेश किए थे, घर के अंदर जाके तांडव मचाए थे, गुंडई किए थे, घर के सारे सामान को तितर बितर कर दिया था, तोड़फोड़ लूटपाट किए थे। इसी क्रम में अंकित मिश्रा जी हमारे साथ हैं। अंकित जी क्या कहना चाहते हैं, क्या घटना हुई थी, कैसे हुई थी? सर वो लोग अंदर जब आए यहाँ पर, कई लोग आए, करीब 10-12 महिलाएं थी नकाबपोश और उतने ही पुरुष थे जी, पूरा गेट फांद करके आए, ईंटों से इसको हमला किया, ये कुंडी तोड़ दिया इसको, ये सब हम लोगों ने बाद में लगाया है, ये सब यहाँ के गमले थे पहले उनको तोड़ दिया, जो पाया उसको उस तरीके से मारा, कुत्ते बंधे हुए थे कुत्तों पे ईंटों का हमला किया, ये बगल में रखा हुआ कूलर पूरा तोड़ा, उसके बाद ये सर अंदर आए और अंदर आने के बाद ये हमारी जो महंगी एक जयपुर की सीनरी यहाँ पे लगी हुई थी, वीडियो में आप देखेंगे सीसीटीवी फुटेज में, उसको पहले लूटने का प्रयास किया, नहीं निकाल पाए, पट्टे से बंधी थी, उसे तोड़ दिया, कंप्यूटर तोड़ दिया, लैपटॉप ले गए, स्क्रीन ले गए, जो कैमरे का रिकॉर्डिंग का होता है LG की स्क्रीन थी वो ले गए, इंटरकॉम की मशीन लगी हुई थी उसको उखाड़ ले गए, वाइफ का पर्स उखाड़ ले गए। आइए आपको अंदर दिखाते हैं, यहाँ पर पूरा देखिए, पूरा ये सब बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। AC लगी हुई थी, AC को जो है इन्होंने ईंटे गुम्मे चला करके मार करके तोड़ दिया, डंडे और औजार टाइप की चीज़ें लेकर के आए थे, यहाँ पर सीनरी लगी हुई थी उसको पूरा पूरा वायर तक की नोच लिया उसका, इस तरीके से पूरा इसको नस्ते नाबूती ही उन्होंने कर दिया। उस समय मैं तो नहीं, मेरी वाइफ घर पे थी,
वाइफ ने अपनी जान बचा करके तुरंत ही दरवाजा बंद किया और अंदर चली गई। दूसरे रूम में थी, एक लड़का था, उसने वाइफ को अंदर करके अंदर से कुंडी लगा लिया, लेकिन दरवाजा पूरा उन्होंने प्रयास किया तोड़ने का, पर वो तोड़ नहीं पाए। उतने में पुलिस को हम लोग बुलाते बुलाते थक गए। मेरी वाइफ फ़ोन करती रही, मैं जहाँ गया हुआ था मैं लगातार वहाँ से फ़ोन कर रहा था। पुलिस आई लेकिन काफ़ी समय बाद आई। जिस समय घटना हुई थी उस समय घर में आप मौजूद थे? नहीं, मैं नहीं था। मेरी चाची एक्सपायर हो गई थी तो मैं बाल बनवाने के लिए गया हुआ था। कहाँ? मैं पराग चौराहे पे सैलून में गया हुआ था बाल कटाने। वो 9 में चाची जी एक्सपायर हुई थी। मुझे जब पता चला तो मैं तुरंत ही वहाँ से भागा और जल्दी आया। तब तक पुलिस आ चुकी थी। मैं सीधे रास्ते से पीछे से अंदर गया, पहले अपनी वाइफ को अपने बच्चों को देखा, उसके बाद इन्हीं को लेकर मैं पुलिस के साथ बाहर आया जब पुलिस ने बुलाया। लगभग क्या नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ, कितने की लूटपाट हुई है? सर, इसमें मेरा सब कुछ मिला करके अगर मैं कहूँ तो ये 5 से 6 लाख रुपए के आसपास का मेरा बहुत नुकसान कर दिया। आईपैड मेरा जो कंप्यूटर था एप्पल का, उसको पूरा तोड़ दिया। सब सीसीटीवी फुटेज में है, वो सब है। फ़ोन वगैरह थे यहाँ पे, काफ़ी सामान रखा हुआ था, उसको जो चीज़ें उन्होंने पाई वो ले गए। जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे मेरे, वो सब उठा करके ले गए। यहाँ पर एलजी की कंप्यूटर की स्क्रीन रखी थी, उसको उठा ले गए। वो इंटरकॉम का डिब्बा बचा है, उसकी पूरी मशीन उसको उठा ले गए DVR समझ करके। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें मेरी वाइफ के भाई साहब हैं, उनको जर्मनी जाना था तो उनके लिए दिल्ली में पैसा जमा करने के लिए 1 लाख रुपए समथिंग के आसपास रखा हुआ था, 1,27,000 रुपए वो ले गए। वाइफ बच्चे की मालिश कर रही थी तो उसकी अंगूठी और चेन रखी हुई थी कि बच्चे को मालिश करते में ना स्क्रैच ना लगे, चोट ना आए, वो पूरा उठा करके ले गए। पूरा बैग CCTV फुटेज में उनके उठाते हुए, और ऐसे बहुत सारे आइटम थे जो इनको वो उठा करके ले गए, और जो नहीं ले जा पाए उसको पूरा तोड़ दिए। उस समय घटना के समय कौन कौन लोग थे घर में? मेरी वाइफ थी, मेरे घर पे एक सर्वेंट है लड़का राहुल द्विवेदी, वो उसकी वाइफ और उसकी भी 5 महीने की बेटी थी, मेरा 8 महीने का बच्चा था। मौके पे मेरी वाइफ थी जब ये घटना घटी है, 3 बजे 4 बजे के आसपास मेरी वाइफ थी, राहुल था और उसकी वाइफ थी। वो लोग ऊपर रहते, मैंने दिया हुआ है कमरा उनको, तो ऊपर रहते हैं उस पर। उसको जब ये घटना के बारे में पता चला तो वो भी नीचे आया, उसने सबसे पहले मेरी वाइफ को अंदर सेव किया, गेट फांद करके वो लोग अंदर आए सब तोड़ ताड़ करके, और इसी रूम तक वो सीमित रहे। अगर मौके पर राहुल ना होता और कुंडी ना लगाता तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी वाइफ को सही छोड़ते। वो लोग हमला, जानलेवा हमले का प्रयास करने का तो मुझे लगता है कि वो कर ही देते। एक प्रयास तो एक कहने की चीज़, जिस हिसाब से गालियाँ उन्होंने दी हैं, मोहल्ले के लोगों ने सुना गालियाँ दी, जिस हिसाब से बदतमीजी की, उस हिसाब से अगर मेरी वाइफ या बच्चा मिलता तो कोई बहुत बड़ा ही कांड वो कर देते। इस घटना के संबंध में आपने पुलिस से लिखित शिकायत की है? सर, मैं थक चुका हूँ, मैं कई बार थाना मानक नगर जा चुका हूँ। घटना के समय कब, घटना के बाद कब आपने? मैं तुरंत ही गया, यहीं पर पुलिस थी, पूरा मोहल्ला सामने था, मैं गया, उनको भी पुलिस लेकर के गई, राकेश चंद्रा जी लोगों को। 5 से 8 घंटे मानक नगर थाने में हम लोगों को रखा गया। उसके बाद कोई एप्लीकेशन नहीं लिखी गई, बोला गया कि जाँच होगी, जाँच के बाद ही एप्लीकेशन लिखेंगे। अभी तक ऐसी कोई जाँच नहीं हुई। घटना हुई है, इस घटना के पीछे पुराना कोई विवाद बताया जा रहा, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। मामला सर ये है कि ये राकेश चंद्रा जी से मैंने 2014 में इस मकान को रेंट पे लिया हुआ था जी। मेरे फादर ने लिया हुआ था। उसी बीच में यहाँ पे कई तरीके के लोग आया करते थे इस मकान को देखने के लिए, तो उनसे मुझे पता चला कि मकान बिक रहा है। मैंने राकेश जी से बात की तो उन्होंने, वो थोड़ा एक जिद्दी टाइप के हैं, कभी सही से बात नहीं करते, पर फिर भी मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा मैं बेच रहा हूँ, तुम्हें खरीदना तुम ही खरीद लो। मैंने मेन उनको फ़ोन किया था सर कि इस मकान में काफ़ी पानी चूता है, दीमक बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उनको ये कंप्लेन के लिए फ़ोन किया था कि सर यहाँ पे ऐसा ऐसा है, पानी भर जाता है, काफ़ी दिक्कत है। उन्होंने मुझसे ये बात कही कि जब मकान का मुझे पता चला तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा अगर तुम्हें लेना है तो तुम बनवा लो। एग्रीमेंट के लिए मैंने बोला तो उन्होंने कहा मैं सूरत में हूँ, एग्रीमेंट करने तो मकान का आऊँगा नहीं, मैं जब आऊँगा तब कर लूँगा, आप अपना मकान जो बनाना चाहते हैं तो उसको बनवा लीजिए, मुझे उसका बिल दे दीजिएगा, जब मकान मैं बेचूँगा जो पैसा उसका होगा उसमें माइनस किया जाएगा। मैंने उनके कहने पर मकान बनवाया, जो आप देख रहे हैं सब बिल्कुल हरे रंग का था, इसकी पहले की भी फुटेज है मेरे पास, सब ये मैंने बनवाया यही समझ करके कि ये मैं खरीदूंगा, मैं लूंगा, और वो सही रेट भी एक मुझे अगर देते हैं तो मैं लूंगा। ये पूरी हम लोगों की बात भी हो चुकी है। बाद में बगल में बिल्डिंग बन रही है, उनकी पार्किंग कम पड़ी, उन्होंने इनसे बात किया, ज़्यादा के लालच में इन्होंने मुझे मना किया। मैंने यही बात कही कि जो मेरा पैसा लगा हुआ है वो आप मुझे दे दें, मैं छोड़ करके मकान चला जाऊँगा। इन्होंने मुझसे कहा कि आप पहले मकान छोड़िए फिर मैं पेमेंट करूंगा। छोटा मोटा होता तो मैं भी करता। नवीन अरोड़ा का कितना आपने इन्वेस्ट कर दिया था इस मकान में मेंटेनेंस में? सर, मैंने जो बनवाई का है वो मेरा 7 से 7.5 लाख रुपए लगा हुआ है बनवाई का। इन्होंने नहीं किया, पुलिस में मैं लेकर के गया, मैंने मुकदमा पुलिस के ही कहने पर किया। जब पुलिस ने कहा कि ऐसे पैसा आपको नहीं देंगे, आप पुलिस का कोई रोल नहीं बनता, हालांकि पुलिस ने मुझे मुकदमा करने को नहीं बोला, पुलिस ने बोला कि हम लोग आपकी मदद नहीं कर सकते, ये न्यायालय में आप जाएं, वहां से आपकी मदद हो सकती है। मजबूरी में मैं न्यायालय गया, जब ये नहीं देना चाहते थे तब मैं न्यायालय की शरण में गया, और उसी का मेरा केस चल रहा है। ये आज भी मुझे भगाना चाहते हैं, मैं आज भी छोड़ना चाहता हूँ। वो अगर नहीं मुझे बेचना चाहते तो मैं छोड़ना चाहता हूँ, मुझे मेरा पैसा दे दे, मैं अपना मकान छोड़ करके दूसरा कहीं और देख लूँगा। मैं अपनी बीवी बच्चों को रख करके यहाँ आए दिन इस तरीके के बवाल नहीं कर सकता। मैं भी एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड लड़का हूँ, मुझे अपने कामों को देखना, मुझे इस तरीके की लड़ाई और इनसे इस तरीके के विवाद नहीं करने हैं। पर ये उस
चीज़ को कभी सॉल्व नहीं करना चाहते। मैंने कई बार कहा बैठ करके बात कीजिए, मैंने जो मुकदमा किया मैं वापस ले लूँ, आप मेरा जो पैसा बनता है वो मुझे दे दीजिए, मैं छोड़ करके मकान को चला जाता हूँ। राकेश चंद्रा जी कहाँ रहते हैं? राकेश चंद्रा जी का सर एक मकान अंसल पे है और एक मकान इनका सूरत पे है। एक मकान अंसल पे बना हुआ है गोल्फ सिटी पे और एक मकान इनका सूरत पे है। फिलहाल पुलिस से न्याय कोई मिला नहीं आपको? कोई न्याय मुझे नहीं मिला, मेरी वाइफ को नहीं मिला, हर जगह दौड़ ही रहे हैं, अभी तक हम लोग को ऐसा न्याय मिला। उच्चाधिकारियों के दरवाजे नहीं खटखटाया आप? जी सबके पास गया, सीपी साहब के पास गया, जी एसीपी साहब के पास गया, लेकिन कोई किसी तरीके का न्याय हम लोगों को नहीं मिला। इसी क्रम में अंकित मिश्रा जी की वाइफ है, इनका नाम शशिकला मिश्रा है, जो घटना के वक्त इस छोटे बच्चे को लेकर यहाँ पर थी, मालिश कर रही थी। जैसा कि अंकित मिश्रा जी ने बताया कि मालिश के समय इन्होंने अपने सोने की अंगूठी निकाल दी थी, बच्चे को चोट न लगे, खरोंच न आए, उसको भी उन लोगों ने लूट लिया। जी क्या कहना चाहेंगे? सर हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। 6 तारीख के दिन करीबन 4 बजे करीब राकेश चंद्रा, उनकी वाइफ और 15 से 20 लोग थे, नकाबपोश लोग थे, आके अचानक से अटैक कर दिए। घर पे ये थे नहीं, बाहर से पहले गालियां बहुत देने लगे, फिर ईंटे गुम्मे सब फेंकने लगे। मैं बहुत डर गई थी कि मैं अकेले क्या करूं, बहुत सारे लोग थे, नकाबपोश, मैं पहचान भी नहीं पा रही थी कि इसको, मैंने उनको बोला, यहाँ दूर से बोल रही थी, वो बहुत गंदी गंदी अश्लील गालियां दे के दरवाजा को पैर से मार रहे थे, ईंटे गुम्मे चला रहे थे। मैं अंदर की भागी, वो लोग गेट फान के आ गए, गेट फान के आके दरवाजा खोल के अंदर घुस गए, दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ के जब उन्होंने तोड़ते हुए मैंने देखा, जैसे ही मैंने उन्हें तोड़ते हुए देखा मैं अंदर की तरफ भाग गई। अंदर की भाग के बहुत परेशान हो गई मैं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था, इतने लोग आ गए, सारे लोग अंदर आके सब चीजें तोड़ने फोड़ने लगे, बहुत गालियां देने लगे उस दरवाजे को जिससे मैं अंदर चली गई थी, बंद कर ली थी, उस दरवाजे पे लात मारने लगे, चिल्लाने लगे, बाहर आओ मार डालूंगा, बाहर आओ मार डालूंगा, अंकित मिश्रा बाहर निकलो। बाउंड्री वाला जो गेट है उसको लोग तोड़, हाँ वो बाउंड्री फान के आके दरवाजा खोल के हमारी जो मेन घर का गेट है उसे तोड़ दिया, वो कांच का गेट था वो तोड़ दिए, तोड़ के वो अंदर आ गए। मेन गेट नहीं बंद था, सब बंद थे, सब बंद थे, लात मार के वो अजीब सा औजार लाए थे, ईंटे गुम्मे लाए थे और बड़े बड़े डंडे लाए थे, उनसे सब लात मार के आके सर मतलब बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, तोड़े सामान तोड़ लिए, यहाँ पे हमारा लैपटॉप था, कंप्यूटर था, कुछ तोड़ दिए, प्रिंटर सब तोड़ के बहुत कुछ यहाँ से लूट के ले गए। हमारा चेन, हमारी अंगूठी, हमारे भाई के लिए हमने पैसा रखा था 1,27,000, दिल्ली जाने वाले थे दूसरे ही दिन हम लोग, भाई को बाहर जाना जर्मनी, उसकी वजह से वो पैसा ले गए। यहाँ पे बहुत सारे सामान तोड़ दिए, बहुत सारा नुकसान कर दिए। इवन अगर मैं मिल जाती, मेरा बच्चा मिल जाता तो हमें तो वो मार ही देती, वो जितनी एग्रेसिव मूड में थे मार देते उस दिन। पे भी हमला करने में वो लोग सोचते नहीं। जब वो लोग यहाँ पर आए, घर के अंदर प्रवेश किए, तो उस समय आप कहाँ थी? जब यहाँ पे वो लोग आए मैं बंद करके अंदर भाग गई थी, तो अंदर वाला कमरा अंदर से आपने बंद कर लिया? जी बिल्कुल। अगर वो नहीं होता तो उस दिन तो हमें वो मार देते, हमारे बच्चे को ही मार देते, उन्होंने जो जिस तरह उनकी चीजें थी, मैं तो सोच के डर जा रही हूँ, कितनी गंदी गाली, इतने बड़े बड़े लोग थे, वो आके लात घूमे, मतलब ईंटे पत्थर सब चला रहे थे, देख क्या करूं मैं समझ में आ रहा। सबको मैंने SHO मानक नगर को फोन किया, महिला आयोग में फोन किया, 112 नंबर पे, मैं जितनी कर सकती थी डरते हुए पोजीशन में मैंने फोन किया, सब जगह महिला हेल्पलाइन पे फोन किया, सब जगह पे, यहाँ तक की कितने देर बाद आई उस घटना के, सारे 15-20 लोग भाग चुके थे, राकेश चंद्रा उनकी वाइफ सिर्फ बच गए थे, तब वो आए थे, तब तक मेरे पति भी आ चुके थे, आके फिर हम लोग गए थाने, वहाँ पे ले जाके वो 5-6 घंटा बैठाए, साथ में ही ले गई, 5-6 घंटा बैठाया उन्होंने, और किसी तरह की कोई मदद उन्होंने नहीं की, कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की, यहाँ तक कि सर से बात है, पुलिस ने ये बोला कि घर पे आके वो छानबीन करेंगे, उसके बाद वो FIR लिखेंगे। आज 1 महीने से ऊपर हो गया, वो घर पे आके कोई छानबीन कुछ नहीं किए, हम नीचे से लेके ऊपर लेवल के लोगों तक डर करके रह रहे हैं, पूरा गेट लॉक करके रख रहे हैं, अगर एक दूध वाला भी आता है, बेल बजाता है, तो यही डर लगता है उनके लोग तो नहीं आ गए, इतना ज़्यादा हम लोग सहमे हुए हैं। अगर पुलिस FIR करती और ये करती तो उनकी दोबारा ऐसी हिम्मत ना होती, वो लोग तो सामने से रात में गाड़ी वाड़ी लेकर के निकलते हैं, यहीं पे थूकते हैं और चार बातें बोलते हुए जाते हैं, हम लोग कई बार ऊपर से देखते हैं, चारों तरफ दहशत फैली हुई है, ऐसा लग रहा है मैं कोई किसी काम के लिए बाहर नहीं जा रही हूँ, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ UPSC की, उसकी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है, हर चीज़ में डर एक सा बना रहता है। इवन कुछ दिन पहले ही 7-8 लड़के आ गए थे गेट पे, ड्राइवरी के लिए अप्लाई करना, ड्राइवर के लिए अप्लाई करना, गलत बात बोल करके गए,
उन्हीं के भेजे हुए इनको बहुत पुलिस का व्यवहार कैसा लगा इस घटना? एकदम नकारात्मक व्यवहार था शुरू से लेके, मतलब लो पोजीशन लेके हाई पोजीशन तक मैं गई थी, ज्वाइंट कमिश्नर कमिश्नर सर तक मैं गई थी। वहाँ पे मैंने उन्हें बोला, वो किसी बात पे एकदम मतलब नजरअंदाज जिसे बोलते वो किए। यहाँ पे गई थी, हाँ मैं देखता हूँ क्या कर किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, बस जितना। आज तक उन्होंने कोई FIR रिपोर्ट नहीं लिखाई, मैं बहुत बार चक्कर लगा चुकी हूँ, कुछ भी नहीं हो पाया। CCTV फुटेज आपने दिखाया? सब कुछ दिखाया, CCTV फुटेज है, CCTV फुटेज और फोटोग्राफ एप्लीकेशन के साथ सब कुछ दे के आए। उन्होंने कहा FIR लिखी जाएगी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये दिए हुए हम लोगों को करीब 20 दिन हो चुका है, अभी तक कोई FIR नहीं लिखी। हर एक घटना का रिकॉर्ड है हमारे पास, किसी चीज के लिए वो नकार नहीं सकते कि वो नहीं थे। राकेश चंद्रा जी यहाँ पे खड़े होके सब वो करवाए हैं, ये चीज पुलिस एकदम सही से देख रही है, वीडियो में दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज इसमें झूठ है। उसके बाद भी अब आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री जी से आप गुहार लगाएंगे न्याय की, तो आपको न्याय मिलेगा? एक आशा तो है सर, पर अभी तक तो कुछ नहीं हो पाई है। बोलिए मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहती है, क्या न्याय की आस लगाते हैं, क्या गुहार लगाना चाहती है? सर से मैं यही अनुरोध करना चाहूंगी कि सर आपके राज्य में आपके रहते हुए दिन दहाड़े इस तरह की डकैती और लूट हो रहे हैं। आप बस इसे देखिए कि क्या हम कर सकते हैं। हम लोग के लिए सहारा पुलिस है, पुलिस ही हम लोग के सपोर्ट में नहीं रहेगी। कल को रास्ते में इतने VIP क्षेत्र में अगर हमारे सपोर्ट में नहीं है, कल रास्ते में मर्डर हो जाए तो भी पुलिस कुछ भी नहीं करेगी। कल मेरे पति को मेरे बच्चे को मुझे मार दिया जाए तो पुलिस कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि वो मारने जैसा ही घटना थी। अगर वो मिल जाते, मेरे पति अगर मिल जाते तो वो मार ही देते, उसके बाद मैं दौड़ के करूंगी क्या? आपसे निवेदन है सर कि प्लीज आप इस मामले को देखिए, जहां तक हो सके प्लीज हमारी मदद कीजिए आप। तो ये है शशिकला मिश्रा जी, आप हैं अंकित मिश्रा जी, और इसी घर में 6 जून को जो घटना हुई है उस घटना को लेकर ये लोग काफ़ी भयभीत हैं। घर से बाहर निकलने में इनको डर सता रहा है, कहीं इनकी हत्या ना हो जाए, और बड़ा संवेदनशील मामला है, और पुलिस की जो कार्यशैली रही है उससे ये लोग संतुष्ट नहीं हैं। तहरीर देने के बाद, तमाम शिकायतें करने के बाद, उच्चाधिकारियों के दरवाजे का चक्कर लगाने के बाद भी आज इन पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। शायद कानून व्यवस्था में इस तरह से बात होती रहे तो निश्चित रूप से पुलिस से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। बात यह नहीं है कि यह मामला मकान का विवाद चल रहा है दोनों पक्षों में, इन लोगों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। सवाल यह है कि जिस तरह कानून को हाथ में लिया गया है, जिस तरह गुंडागर्दी की गई है, जिस तरह घर में दरवाजा तोड़कर घुसकर लूटपाट की गई है, और जिस तरह ये शशिकला अंदर का दरवाजा बंद कर अपनी जान और बच्चे की जान बचाई है, इस बिंदु को पुलिस को देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। सी न्यूज से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।